तो नमस्कार देवी और सज्जनों। तो कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो एक सरप्राइज़ वीडियो थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो गैस करो क्या सरप्राइज़ है गाइस। तो 90% लोगों ने तो गैस भी कर लिया हो कि क्या सरप्राइज़ है। तो बताता हूँ गाइस। तो जी हाँ गाइस, इस वीडियो में आपको पता चलेगा टूर्नामेंट के बारे में कि कैसे टूर्नामेंट खेलना है और जीतने हैं बहुत सारे डायमंड्स गाइस, ठीक है? तो बने रहो वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? तो इंट्रो के बाद एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में टूर्नामेंट से रिलेटेड 8 ऐसे बातों का पता चलेगा जिनको आपको फॉलो भी करना है और जिनके सहारे आप टूर्नामेंट को खेल पाओगे और हो सके तो जीत पाओगे, ठीक है? तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और हाँ गाइस, 8 बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये वीडियो लाइक होगा तो और लोगों से शेयर होगा ताकि दूसरे लोग भी देख के टूर्नामेंट खेल पाएँ। और जितने जल्दी हमारे चैनल जितने बड़े माइलस्टोन रीच करेंगे सब्सक्राइबर के मामले में, हम उतने जल्दी जल्दी टूर्नामेंट लाते रहेंगे और जिन लोगों के पास डायमंड नहीं है उनको डायमंड मिलते रहेंगे गाइस, ठीक है? तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बगल में जो घंटा है उसको भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि टूर्नामेंट हो तो आप खेल के जीत सको, ठीक है गाइस? तो गाइस, टूर्नामेंट की सबसे ज़रूरी बात होती है रूल्स फॉलो करना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि हमारे टूर्नामेंट के रूल्स क्या हैं। तो गाइस, हमारे टूर्नामेंट का एक ही रूल है कि आपको टीमिंग बिल्कुल नहीं करना है। सोलो में आपको सोलो खेलना है और डीओ में आपको अपने टीम के साथ रहना है और स्क्वाड में अपनी स्क्वाड के साथ रहना है, ठीक है? पर टीमिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अगर जो टीमिंग करते हुए पकड़ा गए गाइस, तो उनको सीधे टूर्नामेंट से बाहर फेंक दिया जाएगा बिल्कुल इसी तरह गाइस, ठीक है? बाहर फेंक दिया जाएगा, जाके बाहर खेलो, ठीक है गाइस? तो चलो गाइस, आप लोगों को बता ही देता हूँ कि हमारा टूर्नामेंट कितने तारीख को होने वाला है गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता था, मैं 5 तारीख को टूर्नामेंट रखने वाला था, पर रैम्पेज इवेंट चल रहा है फ्री फायर के अंदर, जिसमें आपको काफ़ी सारी फ्री के सामान देखने को मिल रहे हैं। और 5 तारीख को उनका कोई स्पेशल इवेंट है जिसके अंदर आपको फ्री गन स्किन्स देखने को मिलेंगे खेलने पर, तो आधे बंदे वो खेलने चल जाएंगे तो टूर्नामेंट नहीं हो पाता उस दिन, ठीक है गाइस? तो हमने टूर्नामेंट की डेट थोड़ी आगे बढ़ा दी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाई है गाइस। तो हमारी टूर्नामेंट की डेट है गाइस, तो हमारी टूर्नामेंट की डेट है गाइस 10/7/2020, यानी कि 10 तारीख जिस दिन फ्राइडे का दिन है। तो फ्राइडे के दिन आप लोगों को टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को आना है, टूर्नामेंट खेलना है, जीतोगे तो प्राइजेस आपको दे दिए जाएंगे गाइस। तो 10 तारीख को याद से आना ना भूले। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारी तीसरी चीज़ जो है प्राइज गाइस, प्राइजेस क्या होने वाले हैं, ठीक है गाइस? तो जैसा हम लोग ने देखा, काफ़ी दिन से टूर्नामेंट नहीं कराए तो 2 प्राइजेस रखे गए हैं गाइस, 2 प्राइजेस रखे गए हैं आप लोग के लिए। तो पहला प्राइज जो होगा गाइस, वो गेस करो क्या होने वाला है गाइस, ठीक है? गेस करो। तो गाइस, मैंने पहला प्राइस बहुत सोच समझ के रखा है, तो गाइस चलो नज़र डाल लेते हैं उस पर। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं अपने प्राइस वाले बैनर पे, और यहाँ पे फर्स्ट प्राइस जो है गाइस, वो है 420 डायमंड, 420 डायमंड जो है एक मेम्बरशिप, वीकली मेम्बरशिप, जिनसे आप इलाइट पास के लिए भी डायमंड जोड़ सकते हो और कॉस्ट्यूम के लिए भी, ठीक है गाइस? तो 420 डायमंड फर्स्ट प्राइस। और सेकंड प्राइस है गाइस 50 डायमंड्स, यानी कि डायरेक्ट कोडा शॉप से 50 डायमंड का टॉपअप आपके अकाउंट में जो जीतता है उसके, ठीक है गाइस? तो गाइस, ये हो गई हमारे प्राइजेस जो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पीछे करो या दोबारा देख लो, ठीक है गाइस? अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है हमारा गाइस सबसे ज़रूरी में से एक, कि हमारे मैचेस कौन कौन से होने वाले हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो के शुरू में बता दिया कि 3 मैचेस होते हैं हमारे टूर्नामेंट के अंदर, तो चलो गाइस नज़र डालते हैं उन 3 मैचों पे। तो देख सकते हो हम आ चुके हैं, तो गाइस देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने बैनर की तरफ, जो है मैचेस का बैनर जिसमें लिखा है फिस्ट फाइट। तो गाइस, पहला मैच जो होगा वो होगा मुक्केबाजी का, यानी कि फिस्ट फाइट, जिसमें आपको कटेना से, पेरेंग से, पैन से या फिर मुक्के से बंदों को थूरना पड़ेगा गाइस, ठीक है? और अगर टीमिंग करते हुए पकड़े गए तो निकल पहली फुर्सत में निकल हो जाएगा गाइस, ठीक है? इसमें बिल्कुल टीमिंग नहीं करना है गाइस, आपको सोलो खेलना है, अकेले खेलना है, भले ही मर जाओ लेकिन टीमिंग ना करो, क्योंकि अगर मरे तो कोई बात नहीं, पर टीमिंग किए तो नेक्स्ट मैच नहीं खेल पाओगे। तो फिस्ट फाइट होगा, इसमें टीमिंग नहीं करना है गाइस। सेकेंड मैच है डीओ बारमूडा, जिसके अंदर आपको अपनी एक टीम लेके आनी है, टीम मतलब एक बंदा लेके आना है जो आपके साथ अच्छा खेले, ठीक है गाइस? उसके साथ आपको खेलना है। और याद रखना गाइस, जो भी बंदा खेले वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होना चाहिए, वरना वो किक कर दिया जाएगा रूम के अंदर से, ठीक है गाइस? तो सेकेंड मैच होगी डीओ बारमूडा, इसके अंदर आपको अपनी टीम लेके आनी,
अब आते हैं गाइस हमारे थर्ड मैच पे, जो है हमारा स्क्वाड पुर्गेटरी। जी हाँ गाइस, पुर्गेटरी रखा गया है क्योंकि बारमूडा में अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कालहाड़ी कोई खेलना चाहता नहीं है, इसलिए गाइस क्योंकि पुर्गेटरी सबका फेवरेट था और उसको निकाल दिया गया था रैंक से धक्के मार के। इसका बदला हम जरूर लेंगे गाइस, इसका बदला हम जरूर लेंगे गाइस, पर कभी और लेंगे क्योंकि अभी आपको पुर्गेटरी में मैचेस खेलने पड़ेंगे गाइस। तो चलो गाइस अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो कमर की पेटियां बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है पॉइंट्स गाइस। जी हाँ गाइस, आपको पॉइंट्स के हिसाब से मैच जीतने पड़ेंगे गाइस। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एक किल, तो गाइस अगर आप एक किल करते हो तो आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे, अगर आप एक बुइया मारते हो आपको 30 पॉइंट यानी कि 30 पॉइंट्स दिए जाएंगे गाइस, ठीक है। और तीन मैचेस होने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है। तो तीन मैचेस में आप तो जो तीन मैचेस है गाइस, तीनों मैचों को मिला के जो आपका टोटल पॉइंट्स आएगा गाइस, उनको ऐड करके आपको दिखाया जाएगा कि आप विनर हैं या नहीं। जिस बंदे के तीनों मैच मिला के टोटल पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे गाइस, वो होगा हमारा फर्स्ट विनर, और जिसके सेकंड में सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारा सेकंड विनर गाइस। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा टाइमिंग से रिलेटेड गाइस, कि टूर्नामेंट की टाइमिंग क्या होने वाली है, कितने बजे से आप टूर्नामेंट स्टार्ट करोगे, रूम कब बनेगा। तो गाइस चलो बैनर की तरफ चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम बैनर की ओर और देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 11 बजे लाइव स्ट्रीम, 11:30 बजे मैचेस। तो गाइस 11 बजे आप लोग को एक्यूरेट ऑनलाइन आ जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है वॉर विजडम गेमर। वहाँ पे ऑनलाइन आओगे तो आपको लाइव स्ट्रीम दिख जाएगी, आपको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है, आपको कस्टम रूम की आईडी वहीं पे दी जाएगी क्योंकि लाइव में हम रूम बनाएंगे और रूम की आईडी आपको बताएंगे, आपको लाइव में से रूम की आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपको फटाफट से ज्वाइन करना है गाइस क्योंकि 11 बजे लाइव स्ट्रीम होगा और 11:30 में रूम बन चुका होगा गाइस। 11:30 तक आपको रूम ज्वाइन कर लेना है क्योंकि 11:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो फटाफट से कहीं देर ना हो जाए, ठीक है गाइस, याद रखना ये बात, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लेट नहीं होना चाहिए, काफ़ी बंदे आने वाले हैं, फटाफट ज्वाइन करोगे रूम लीव नहीं करना है। एक बार ज्वाइन कर लो गाइस, दोबारा बोलता हूँ, एक बार रूम अगर ज्वाइन हो जाए आपका तो प्लीज़ आप लीव ना करें, क्योंकि अगर आप लीव कर देंगे तो दूसरे बंदे आपके जगह पे आ जाएंगे तो फिर आप नहीं खेल पाएंगे। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना और रूम में बैठे रहना थोड़ी देर, 11:30 बजे रूम मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस ये हो गई हमारी, ये वाली टॉपिक कवर हो चुकी है गाइस, टाइमिंग डेट डे और मैंने सब कुछ बता दिया गाइस, आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा लाइव स्ट्रीम में। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस एक चीज़ जो काफ़ी बंदों के दिल में सवाल आ रहा था, कि क्या हमारा जो मैचेस हम खेलेंगे वो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाएगा। तो जी हाँ गाइस, जो आप मैचेस खेलेंगे वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा और वो चीज़ आप यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो आपका डाउट क्लियर हो चुका है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको एक कस्टम रूम बना के दिखाऊंगा गाइस, ठीक है, कि कस्टम रूम जब हम बनाएंगे तो हम क्या क्या चेंजेस रखेंगे, कैसे कैसे रूम बनेंगे। तो देख सकते हो गाइस हम आ चुके हैं अपने कस्टम रूम के पास और देख सकते हो यहाँ पे हमारा नाम डालने दिखा रहा है। तो गाइस रूम का नाम यही रहेगा, वॉर विजडम रूम, तो ये याद रखना वॉर विजडम रूम रहेगा। पासवर्ड आपको लाइव स्ट्रीम में मिलेगा, फिर बताता हूँ आपको, 11 बजे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है 10 तारीख को और वहाँ पे आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा गाइस। तो पहला मैच हमारा सोलो रहेगा, बारमूडा में ही रहेगा और देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट वही रहेगा जो रहता है यहाँ पे, सिंपल मेल रहेगा पहला वाला क्योंकि पहला फिस्ट फाइट है, तो पहला मेल ही वेपन से रहेगा तो आपको मुक्के से लड़ना है। प्लेयर्स 48 ही रहेंगे, स्पेक्टर्स 2 रहेंगे, एक मैं और एक मेरा कोई दोस्त रहेगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग को ये देख लेना है एक बार, समझ गए यहाँ पे। तो मेल वेपन का है तो पहला मेल रहेगा, सोलो रहेगा। और यहाँ पे हम अगर जाएंगे गेम चेंजेस में तो गाइस एचपी आपकी 200 रहेगी, 200 से ज़्यादा हम नहीं देंगे। मूवमेंट स्पीड 100 ही रहेगा। डे का इन्वायरमेंट नाइट रखें क्या? नहीं गाइस, डे ही रखेंगे। तो डे इन्वायरमेंट डे ही रहेगा। फॉल ड्रॉप यस, सब कुछ ऐसे यस रहेगा गाइस। और बस आपको जो यहाँ पे लोड आउट भी यस पे रहेगा, एमओ लोड आउट नो रखेंगे, ठीक है। और बात करें अगर ईपी की गाइस, तो आपको 50% ईपी दे दी जाएगी गाइस, ताकि थोड़ा सा मेडिकेट में प्लस हो सके। और जंप हाइट 100 ही रखेंगे गाइस, ठीक है, जंप हाइट में चेंजेस नहीं होंगे गाइस, लोड आउट नो रहेंगे। बाकी यहाँ पे ऑब्जर्व में आएंगे तो ड्रेस स्ट्रक्चर रखेंगे यस पे गाइस, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा पहला मैप, आप लोग देख सकते हो पहला मैप हमारा जो होगा वो बारमूडा में मेली वेपन का ऐसा ही रहेगा गाइस। अब सेकेंड मैप अगर हम बनाते तो गाइस सेकेंड मैप में भी हमारा वॉर विजडम रूम ही रहेगा नाम। पासवर्ड आपका जो है वो गाइस लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे सेकंड हम क्लासिक कर देंगे ड्रॉप लिस्ट में गाइस। प्लेयर्स 48 ही लिमिट है तो 48 ही रहेंगे, बाकी स्पेक्चर भी 2 ही रहेंगे गाइस, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं है गाइस, तो 48 ही प्लेयर्स रहेंगे। इधर आ जाते हैं गाइस अगर हम गेम में, तो दिखाएगा 200 HP ही रखेंगे, बाकी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है गाइस, बाकी हर चीज़ सेम है गाइस, ठीक है। तो ये वैसे ही रह जाएगा गाइस। अगर हम बात करें तीसरे रूम की, तो तीसरा रूम भी नाम वही रहेगा गाइस, पासवर्ड आपको लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगा। तीसरा रूम में चेंज ये है कि आपको पुर्गेटरी मिलेगा गाइस मैप, तो आपको पुर्गेटरी में स्क्वाड खेलना पड़ेगा गाइस,
ठीक है, तो आप पुर्गेटरी में स्क्वाड ज्वाइन करना गाइस। प्लेयर्स का लिमिट वही है, जो पहले आ जाएगा वही खेल पाएगा। तो फटाफट से रूम ज्वाइन करना, रूम लीव मत करना जो लोग ज्वाइन कर लेते हो गाइस, वरना बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, रूम नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, और इन्वायरमेंट नाइट रखेंगे नहीं गाइस, डे ही रख देते हैं। इन्वायरमेंट डे ठीक रहेगा, HP 200 ही रहेगा, मूवमेंट स्पीड 100 ही रहेगा, EP आपको इसमें नहीं दिया जाएगा, बाकी फुल डैमेज रहेगा, यस, एयर ड्रॉप यस, बाकी हर चीज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको रूम बना के दिखा दिया है, आप लोग समझ आ गया होगा आई होप सब कुछ। तो गाइज मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं गाइज। एक ज़रूरी बात है गाइज, अगर आप लोग चाहते हो मैच के बीच में आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट में रहो गाइज, आप लोग मेरे को बता पाओ कि बंदा चीटिंग कर रहा है कोई भी, या कोई हैकिंग कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है गाइज, तो आप लोग को बस ये करना है कि लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक होगा डिस्कॉर्ड के नाम से, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाना है मेरे डिस्कॉर्ड में। उसके बाद आप लोग साथ में हम लोग बात कर पाएंगे, साथ में बात करते करते आप खेल पाओगे। जो आपके टीममेट होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, या जो आपके इनिमी होंगे, आप लोग उनसे भी बात कर करके खेल सकते हो गाइस। तो इसलिए गाइस, और हाँ गाइस, वहाँ पे कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, गंदी लैंग्वेज, वरना आप किक कर दिए जाओगे डिस्कॉर्ड से भी और टूर्नामेंट से भी। ठीक है, मतलब अच्छे से बात करो अपने दोस्तों से या वहाँ पे जो भी वहाँ पे होंगे, लेकिन डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लोगे तो साथ में बात करते करते खेल पाओगे, आपका एंटरटेन भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो याद से डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन करना गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ताकि आप लोग एक साथ बात कर सको गाइस। ठीक है, तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन खाली है गाइज, कमेंट करके बता देना मेरे को कि भाई आपने ये नहीं बताया, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा गाइज। ठीक है, कमेंट आपका नहीं छूटेगा गाइज, तो ध्यान रखना और कमेंट ज़रूर कर देना गाइज। और काफ़ी मेहनत लगाई गाइज ये वीडियो एडिट करने में और टूर्नामेंट करवाने में भी, तो एक लाइक तो बनता है गाइज, एक लाइक दे देना और कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हो, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।